हाय गाइस मेरा नाम जॉन है और एज ए पेट लवर मैं बहुत ही मैं डॉग लवर हूँ पेट लवर हूँ और ये मेरा स्कूबी है अभी आपने जो ये डॉग देखा जो मेरे पास था वो आप उसको सेंट बर्नट नाम से बुलाते हो और बेसिकली ये डॉग स्विट्जरलैंड का है अगर आप इसको अपना घर का पेट बनाना चाहते हो तो श्योरली आप उसको बना सकते हो नो no डाउट इसका विंटर इसका खाना इसका वेदर ये सब आप फिक्र ना करें क्योंकि ये स्विट्जरलैंड का है आ, ऐसा लगता है कि बस ठंडा में ही ये सरवाइव कर सकेगा या फिर गर्मी में सरवाइव नहीं कर सकेगा ऐसा कोई बात नहीं है ये जो अभी अभी मैं आसाम का हूँ तो ये आसाम का जो वेदर है इसमें आराम से ये सूट हो सकता है क्यों सूट हो सक क्यों सूट होगा मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जो आसाम का हमारा वेदर है वो टेन पर टेन महीना समर होता है और दो तीन महीना विंटर होता है तो उसमें आप क्या कर सकते हो बहुत लोग सोच सकता है कि समर में हम लोग उसको कैसे सरवाइव करेंगे ये तो विंटर स्विट्ज़रलैंड का डॉग है इसको हेल्थ अच्छा नहीं होगा आ, सोने आ, अच्छा से नहीं सो पाएगा अगर ज़्यादा गर्म लगा तो ऐसा कोई बात नहीं है आप इसको फैन दे सकते हो तो इसको नॉर्मल जो पंखा है फैन वो पंखा में ही आप उसको रख सकते हो आ, जैसे कि इसका खाना पीना खाना पीना देखो तीन टाइप का खाना है एक है आ, प्रोटीन एक है कम्प्लीमेंट्री एक है आपका फूड सप्लीमेंट और एक है आपका होम मेड तो पहले वाला मैं बता देता हूँ जो 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 शॉप में आपको अवेलेबल मिलता है रॉयल कैनिन फोकस का फिर आपका पेडिग्री पेडिग्री आप उसको खिला सकते हो पेडिग्री में खिलाने से ये एक्चुअली आपका आ, अच्छा ब्रीड का है तो अच्छा ब्रीड का अगर आपको उसको मोटा बनाना चाहते हो हेल्दी बनाना चाहते हो ऊंचा बनाना चाहते हो तो उसको आप पेडिग्री ना खिलाए पेडिग्री खिलाने से क्या होगा उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा रॉयल कैनिन आप एक पर्टिकुलर टाइम तक खिला सकते हो जैसे कि अभी वो पापी है तो मेरा जो सेंट बर्नर्ड है उसका नाम स्कूबी है तो वो स्कूबी अभी सेवन मंथ्स का है सेवन मंथ्स ट्वेंटी एट डेज का है काफ़ी बड़ा है मैं उसको रॉयल कैनिन नहीं खिलाता मैं उसको ड्रूल्स का फोकस खिलाता हूँ मैं सुबह को टाइम टेबल में बताता हूँ उसको क्या कैसा खिलाता हूँ मैं सुबह को मैं फोकस मैं मैं अभी तक ड्रूल्स का फोकस ही यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए मैं अपना सेंट बर्नड के लिए तो वो जो ड्रूल्स का फोकस है मैं मॉर्निंग को उसको मैं सुबह गर्म पानी में छोटा डब्बा है उसमें मैं बारह या पंद्रह चम्मच पंद्रह डब्बा लेके उसको गर्म पानी में मिला के उसको खिला देता हूँ दो टाइम ही खिलाता हूँ मैं उसको बस दोपहर को एज ए ट्रीट मैं उसको पाँच डब्बा खिला देता हूँ रो वो पानी गर्म करके नहीं सुबह को मैं गर्म करके खिलाता हूँ पंद्रह या बारह डब्बा और रात को मैं आठ बजे उसको बारह या पंद्रह डब्बा खिलाता हूँ फिर उसके साथ आपका रहता है सिर्फ खाना ही उसका मेन सोर्स नहीं है उसके साथ आपको चाहिए कैल्शियम जो मार्केट में अवेलेबल है आप बेटनरी हॉस्पिटल से भी आप उसको बातचीत करके डॉक्टर से ले सकते हो जैसे कि कैल्शियम है हार हार्बा है और विटामिन है वो सब की वो सब भी आपको उसको खिलाना ज़रूरी है ताहे तब जाके उसका ग्रोथ अच्छा होगा वो दिखने में सुंदर होगा उसका हेयर ग्रोथ होगा हेयर ग्रोथ के लिए भी अलग सा एक प्रोडक्ट रहता है जो स्टार कोट बोल के वो उसको कोटिंग बोलते हैं जो हेयर होता है डॉग का या फिर आ, बिल्ली का उसको कोट बोलते हैं तो कोटिंग का भी आपको अलग सा आ, दवाई मिल जाता है लिक्विड वाला आ, फाइल भी मिल जाता है तो वो सब भी आप प्रोवाइड कर सकते हो तो जैसे कि मैंने बताया आप आप लोग ये सेन बर्नर जो डॉग है आराम से प्रोवाइड कर सकते हो अपने घर में ला के उसको प्यार दीजिए अच्छा से पालिए अच्छा से उसको प्यार दीजिए टाइम पे हाँ और बात है कि सुबह उसको जग, अगर सुबह वो मैंडेटरी है वो मतलब सुबह उसको वॉकिंग पे लेके ही जाना है सुबह उसको वॉकिंग पे लेके जाना है शाम को उसको वॉकिंग पे लेके जाना है शाम को लेकिन धूप 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 नहीं होना चाहिए धूप होगा तो उसका स्किन बर्न हो जाएगा धूप होगा तो उसका स्किन बर्न हो जाएगा वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा कुछ दिनों के बाद फिर सुबह को अर्ली मॉर्निंग उसको वॉक पे लेके जाइए एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग उसको वॉक पे लेके जाइए उसको वॉकिंग करवाइए उसको खे, खेल खेल कूद करवाइए तब जाके उसका अच्छा सा ग्रोथ होगा उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा और नहाना नहाना जो है उसको आप पंद्रह दिन या बारह दिन में नहा नहलाइए क्योंकि आप रोज नहलाओगे तो उसका स्किन का जो कलर है जो जो उसका स्किन का एक कलर होता है सेन बर्नड हो या फिर कोई भी डॉग हो जर्मन सेफर्ड हो लेब्रोडोर हो तो वो नहीं करना है आपको रोज़ नहीं है वो बारह दिन में नहलाना है जो नॉर्मली हम लोग करते हैं हम हम लोग जो नॉर्मली करते हैं सुबह को उठ के ब्रश करते हैं नहाते हैं फिर खाना खाते हैं उसको भी वैसे ही करवाओ उसको थोड़ी ना ब्रश नहीं करवाना है लेकिन उसको उठाओ वो वो उसको उठाना नहीं पड़ेगा वो आपको ही उठाएगा आके वो बहुत प्यारा है वो वो मुझे आके उठाता है सुबह को वो पाँच बजे मुझे आके उठाता है वो भोंगता है मेरे सामने आके कि उसको वॉकिंग पे लेके जाना है कोई भी सेंट बर्नर्ड हो जर्मन सेफर्ड हो लेब्रोड हो दस या बारह साल ही वो लोग बचते हैं लेकिन दस बारह साल में आप जितना उसको प्यार देंगे और वो भी आपको वही प्यार देगा दस बारह साल में तो आपको लगेगा कि वो सौ साल से आपके साथ है और हमेशा वो आपके साथ ही रहेगा मेरे बातें अगर अच्छा लगे आपको सबको दिखाओ शेयर करो लाइक like करो और जैसे कि एनी ट्वेंटी फोर ने मुझे यहाँ पे बुलाया है एज ए इन्वाइट आई एम वेरी हैप्पी और मैं उनके साथ हूँ आप लोग भी उनके साथ रहे आपको उनके साथ कैसे रहना है लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए थैंक यू